ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಮೋದಿ. लोकसभा चुनाव को यूं तो दो साल हैं, लेकिन खबरों की माने तो मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ करा सकती है, जो 2018 में ही हो जाएंगे. ऐसे में मोदी सरकार अब कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएगी. चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार नोटबंदी और जीएसटी जैसे कठोर कदम उठाने से खुद को दूर रखेगी. एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार अपने बचे कार्यकाल में शायद ही कोई कड़ा फैसला ले. वह इसके बजाय अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने की कोशिश करेगी. मोदी सरकार उपलब्धियों पर ज्यादा बल देंगे, साथ ही उन वादों को पूरा करने की सोचेंगे जो उन्होंने किया है या जिसको पूरा करने में उन्हें एक दो साल और लगे. सरकार सुधारवादी छवि नहीं, राष्ट्रवादी विश्वसनीयता को आगे बढ़ाना चाहेगी, जिसके सेंटर में भी इस बार चेहरा मोदी का ही प्रोजेक्ट किया जाए. नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे ही सुधार के काम को आगे बढ़ाएगी या जोर देगी, जिसका फायदा 2019 से पहले दिखे. मोदी सरकार काला धन के खिलाफ चली मुहिमों के तहत मई 2014 से अब तक 4,313 करोड़ रुपए जब्त करने की बात करती है, तो हो सकता है सरकार एक बार फिर से इस तरह की मुहिम और तेज कर सकती है और अगले साल तक नए आंकड़े घोषित भी कर दे, जिसका लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार हो. न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट.